हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री अनिल विज जी, पूरी चर्चा को इन्होंने भी सुना है और चूंकि इनकी देखरेख में बहुत सारे इस ऑपरेशन को, एक प्रकार का ये एक बड़ा ऑपरेशन है पूरे हरियाणा में, सैकड़ों की संख्या में जो लोगों का पॉजिटिव, लोगों का जिनका इलाज चल रहा है और सारी देखरेख ये कर रहे हैं, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे होम डिपार्टमेंट पुलिस के नाते हो या अर्बन लोकल बॉडीज़ के नाते हो, सब चीज़ें बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। आज हमारे सामने जितने भी मेडिकल एजुकेशन अथवा हेल्थ सर्विसेज के नाते डॉक्टर्स बैठे हैं और IMA के भी प्रेसिडेंट बैठे हैं, आप सबके माध्यम से जनता तक भी पूरा अपना संदेश। डॉक्टर श्री अनिल विज जी। मित्रों, दिस इज वॉर टाइम और योद्धा की पर्सनैलिटी का निखार हमेशा युद्ध काल में ही आता है और जिस प्रकार से, जिस दिन से इस दुश्मन ने, सूक्ष्म दुश्मन ने सारे विश्व में या सारे देश में या हमारे प्रदेश में प्रहार किया है, हमारे जो योद्धा हैं, जो वार हीरोज हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसमें सभी जो मेडिकल प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और जो बैक डोर पर प्लानिंग ग्रुप है, वो भी रात को आराम से सो नहीं रहा है। उनको भी 24 घंटे चिंता रहती है कि हमारी प्लानिंग्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हों, हमारे योद्धाओं को जो जो सामान चाहिए वो मुहैया हो और हम इस लड़ाई को जीते। शुरू में कुछ मुश्किलें आई थी, जो प्रोटेक्टिव सामान है उसको मुहैया कराने में, लेकिन दिन रात मेहनत करके आज हम उस स्थिति पर हैं कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस जिस इक्विपमेंट की जरूरत होती है, चाहे वो PPE किट हो, चाहे वो N95 मास्क हो, चाहे ट्रिपल लेयर मास्क हो, चाहे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो, वेंटिलेटर्स हों, टेस्टिंग लैब्स हों, आज हमने सबकी व्यवस्था की है और हम आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इसमें सफल होंगे। हमारी स्ट्रिक्ट विजिल और मैनेजमेंट का ही नतीजा है कि अगर तबलीगियों की संख्या ना आती तो हमने बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण किया था। हमने जो विदेशों से आए थे, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, जो 15,000 के करीब क्वारंटाइन किए गए थे, उनको हमने अच्छी तरह से क्वारंटाइन किया और इस बीमारी को फैलने नहीं दिया। आज हमारे हरियाणा में 134 एक्टिव कोरोना पेशेंट हैं और इसमें से 106 तबलीगी जमात के हैं
और अगर हम 106 तबलीगी जमात के 134 में से कम करें तो 28 मरीज हरियाणा के बनते हैं। हमने एक और फैसला किया है कि जितने भी कोविड के पेशेंट होंगे, हमने 14 कोविड हॉस्पिटल प्रदेश में सेटअप किए हैं, जहां व्यवस्था की है कि एक भी जो कोविड का मरीज है वो आम मरीजों के साथ हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। जो कोरोना प्लस का मरीज है उसको कोविड हॉस्पिटल में ही उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। कोविड हॉस्पिटल का कंसेप्ट ये है कि उसमें कोई भी दूसरा मरीज नहीं जाएगा ताकि बीमारी स्प्रेड ना हो। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस बारे में चिंता कर रहे हैं और रोजाना कोई एक भी दिन नहीं होता जिस दिन किसी ना किसी विभाग की या अधिकारियों की या डॉक्टर्स के साथ वीसी नहीं होती है, मीटिंगें नहीं होती हैं। और अगर हम डॉक्टर्स की भी कहें तो मैं समझता हूँ आज ये दूसरी वीसी है, एक वीसी हम पहले कर चुके हैं। और रोजाना हमारे अधिकारी भी हमारे सब डॉक्टर्स के साथ रोजाना अपना रेगुलर तालमेल बनाए हुए हैं और जिस यूनिटी के साथ हम काम कर रहे हैं, हम दावे के साथ इस लड़ाई को जीतेंगे। आगे और भी, अभी अरोड़ा जी ने आपको बताया कि हमने कुछ रैंडम सैंपलिंग करनी है, हम वो रैंडम सैंपलिंग करेंगे, हर जिले में करेंगे ताकि हमारे पास सही सही रिपोर्ट आ सके और आगे के जो फैसले लिए जाने हैं हम उनको ले सकें। धन्यवाद।